नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और कह सकते हैं इस सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार में एक्शन दमदार रहने वाला है। कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे। स्ट्रैटेजी, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट की कॉल, सब कुछ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हर रोज की तरह विदेशी बाजार के संकेत आपके सामने रख देते हैं। एसजेडएक्स निफ्टी से शुरुआत करेंगे। 15,755 के स्तर पर यहां पर हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड फिलहाल देखने को मिल रहा है। आपको ध्यान दिलाएं, हांगकांग के बाजार आज बंद है, लेकिन साथ ही डाउ फ्यूचर्स में 50 अंकों की अब 60 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। विदेशी बाजार में शानदार रिकवरी के साथ डाउ में हमने करीब 210 अंकों की बढ़त देखी। S&P में लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से नए रिकॉर्ड और अच्छी तेजी पर कामकाज हमने देखा है, लेकिन कल सपाट क्लोजिंग रही और नैसडेक में हल्की गिरावट देखने को मिली। विदेशी बाजार में कौन से संकेत अहम है और साथ ही आज ओपेक प्लस की बैठक भी है, सारी डिटेल्स जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं आज विदेशी बाजार के संकेतों को कैसे समझा जाए। गुड मॉर्निंग मानसी, और ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। हांगकांग आज बंद है, डाउ फ्यूचर्स कल की तेज़ी के बाद आज भी अच्छी बढ़त ही दिखा रहे हैं और एसजेडएक्स निफ्टी पर भी आप हल्का सा पॉजिटिव ट्रेड देख रहे हैं। हालांकि जापान के बाजारों में थोड़ी सुस्ती है। आज सुबह हमने देखा कि कल US में लगातार दूसरे दिन मिला जुला एक्शन देखने को मिला, जहां डाउ तो 210 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुआ और S&P 500 ने लगातार पांचवें दिन नया रिकॉर्ड बनाया। पर नैसडैक पर मामूली सी गिरावट थी, बल्कि नैसडैक भी निचले स्तरों से रिकवर होकर ही बंद हुआ, बट हल्की गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखा है। ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़े सभी स्टॉक्स में आपने अच्छी खरीदारी देखी है, साथ ही एनर्जी, बैंक्स और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में भी एक्शन आते हुए दिखा है। IT स्टॉक्स में हल्की सी सुस्ती थी, उनकी जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वहां पर भी कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आया, 1.48 से फिसलकर 1.46% के करीब आते हुए दिखी। आज साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े आने वाले हैं, अनुमान 3.9 लाख का है, तो वहां पर सबकी नजर बनी हुई है। इसके साथ ही अगर आप यूरोप में देखें तो लगभग 1% तक की गिरावट यूरोप में होती हुई दिखी है। अमेरिकी भंडार गिरने से हमने देखा है कि कच्चे तेल को सहारा मिला है। ऑफ कोर्स आज तो ओपेक की बैठक भी है, तो वहां पर सबकी नजर बनी हुई है। डिमांड और आउटपुट दोनों को लेकर क्या कहना है ओपेक का, इस पर नजर बनी रहेगी। सोने पर दबाव कायम है और डॉलर में हमने खरीदारी देखी है। फर्स्ट हाफ भी साल का खत्म हो गया है। इन पिछले 6 महीनों में हमने जबरदस्त एक्शन देखा है, जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है और US मार्केट्स का तो शानदार प्रदर्शन रहा है। डाउ में लगभग 12.5% से ज्यादा की तेजी रही है, वहीं अगर आप S&P 500 देखें तो 14.5% उछला है। उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसने आउट परफॉर्म करा है 17% की तेजी के साथ। यूरोप की बात करें तो फ्रांस के बाजार क्लियर आउट परफॉर्मर्स रहे हैं, 18% की तेजी रही है, बट पॉजिटिव एक्शन ओवरऑल यूरोप में भी दिखा है। एशिया में उतनी बड़ी तेजी नहीं दिखी है, हांगकांग के बाजार 6% ऊपर गए, चीन और जापान में उतनी अच्छी तेजी नहीं है, बट पॉजिटिव एक्शन रहा। और कमोडिटीज की बात करें तो सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा है कच्चे तेल का, इस साल ऑलरेडी 46% से ज्यादा की तेजी हो चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि और तेजी भी बन सकती है। सोना हालांकि 7.5% का दबाव दिखा चुका है, कॉपर में भी हमने 21% का उछाल देखा है, तो ओवरऑल अच्छी फर्स्ट छमाई रही है। जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, देखते हैं आने वाले सेकेंड हाफ में कैसा एक्शन रहेगा। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो छमाही पहली जो है ग्लोबल मार्केट्स के लिए काफी अच्छी देखने को मिली है। अब आगे किन लेवल्स पर ट्रेड होगा ये देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेकिन कल के कारोबारी सत्र में फंड एक्शन क्या रहा, संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है वो एक बार देखें। FIIs की बिकवाली कैश मार्केट में है, लेकिन वायदा बाजार में FIIs खरीदारी कर रहे हैं और कैश मार्केट में DIIs भी खरीदारी कर रहे हैं। पहले कैश मार्केट के लेवल्स आपको बता दें, बिकवाली की है FIIs ने 1647 करोड़ की, वहीं कैश मार्केट में DIIs ने 1520 करोड़ की खरीदारी की है। साथ ही वायदा बाजार में FIIs की तरफ से 156 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट में FIIs की बिकवाली है, लेकिन DIIs कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं और हल्की सी खरीदारी वायदा बाजार में FIIs की तरफ से 156 करोड़ की आती हुई। ये तमाम संकेत आपने देखे, अब इन संकेतों को देखते हुए आज के लिए पहली रणनीति बना लेते हैं और रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। साल की पहली छमाही तो खत्म हो चुकी है, विदेशी बाजार के लिए अच्छी रही है और साथ ही FIIs DIIs का एक्शन जो आज हम देख रहे हैं, सर तमाम संकेत आपको कैसे लग रहे हैं और फिर आज के लिए भारतीय बाजार पर वीकली एक्सपायरी के दिन क्या करना चाहिए?
गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए संकेत काफी बेहतर है और उम्मीद से मुताबिक उम्मीद से कहीं ज्यादा अमेरिकी बाजारों में तेजी हुई है। S&P ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। डाओ हम जब बंद हुए तो 70-80 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा था, उसके मुकाबले में 210 अंक ऊपर बंद हुआ है, यानी कि लगभग 300 अंक हमारी उम्मीद से के विपरीत मजबूती के साथ बंद हुआ है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो इन सब के चलते आज चूंकि हफ्ते की एक्सपायरी का भी दिन है, ओवरसोल्ड मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं, पुट कॉल रेशियो 0.9 के आसपास ओवरसोल्ड है, तो उस लिहाज से एक रिकवरी बनेगी। अगर कमजोर और सुस्त शुरुआत हो जैसा कि SBI दिखा रहा है SBI के साथ, तो आपके लिए तुरंत ही खरीदारी के मौके होंगे। जितना नीचे खुले या जितना सुस्त खुले उतना बेहतर है। निचले स्तरों पर जो सपोर्ट है वो 15,575 15,625 पर निकल कर आता है और ये एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 15,875 वो रेंज है जहाँ पर हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिखेगी, उस रेंज में पहुंचने के बाद आपको अपनी तेजी की पोजीशन थोड़ी कम भी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर जरूर थोड़ी सी चिंता है। कल जिस तरह से 35,000 के नीचे बंद हुआ है, 3 दिनों तक लगातार 35,000 के ऊपर क्लोज देने के बाद बैंक निफ्टी में थोड़ा करेक्शन गहराता हुआ नजर आया है। आखिरी सपोर्ट रेंज बैंक निफ्टी के लिए 34,400 से 34,600 की रेंज की है। आज चूंकि ग्लोबल संकेत बेहतर है तो बैंक निफ्टी उस रेंज को, उस सपोर्ट रेंज को होल्ड कर लेगा, ऐसा मेरा मानना है। ऊपरी स्तरों पर 35,200 रुकावट की रेंज है, वहां पर आपको बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी, तो इस रेंज पर फोकस करना चाहिए। रिकवरी के लिए ट्रेड होगा, अगर बहुत गैप से खुल गए तो फिर आपके लिए वापस से ऊपरी स्तरों से फिसलना होगा, और अगर सुस्त शुरुआत होती है, कमजोर शुरुआत होती है, तो फिर एक रिकवरी के लिए तैयार रहें। तो क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट है, एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है, लेकिन वोलेटाइल और दोनों तरफ के ट्रेड की आप उम्मीद कर सकते हैं। बायस ज्यादा आज पॉजिटिव साइड पर रहना चाहिए। 2 दिनों के विपरीत जहां पर थोड़ा आपको कमजोरी का रुझान ज्यादा दिखा, आज हल्की खरीदारी का रुझान रहने की संभावना ज्यादा है। बिल्कुल आनंद सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर पहली स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपके लिए विदेशी बाजार के संकेत अच्छे और भारतीय बाजार के लिए भी अच्छे संकेतों पर ही ट्रेड आज देखने को मिल सकता है। सपोर्ट और साथ ही ट्रेडिंग रेंज जो ऊपरी स्तर जो हम आपको बता रहे हैं उस पर ध्यान रखिए। 35,000 से 35,200 बैंक निफ्टी की ऊपरी रेंज सबसे पहले मैं बता रही हूँ, 35,000 से 35,200 की होगी। वहीं 34,400 से 34,600 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। निफ्टी की अगर बात करेंगे 15,800 से 15,875 इस दायरे को निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चले, और 15,575 से 15,625 ये निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। चलिए पहली स्ट्रैटेजी हमने जान ली, विदेशी बाजार के संकेत और साथ ही फंड एक्शन हमने समझा, लेकिन ढेर सारी खबरें हैं जिस पर आज बाजार रिएक्ट करेगा। साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद कई सारी कंपनियों के कैश मार्केट में नंबर्स आते हुए दिखे, ये सारी ट्रिगर्स नंबर्स और साथ ही खबरें एक बार कुशल से जान लेते हैं। कुशल गुड मॉर्निंग, सबसे पहले नतीजों से ही शुरुआत करेंगे, मोटे तौर पर सारे नतीजे आ चुके हैं, कल कई सारी कैश मार्केट के नंबर्स थे। बिल्कुल मानसी, और कल आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली Q4 FY21 की जो नतीजे हैं उसको जो है आप समाप्त हो चुके हैं, और जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे हैं उसको मैं डिस्कस करता हूं। और कल के सत्र में पोस्ट मार्केट नंबर्स, एक तो F&O स्पेस से वोडाफोन आइडिया के आए थे, तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं। मिक्स सेट ऑफ नंबर्स रहे हैं, जैसे कि हम अनुमान कर भी चल रहे थे। आय अगर आप देखें तो करीब 12% घटकर 9,608 करोड़ पर आई है, हमारा अनुमान 9,700 करोड़ रुपये का था। और ऑपरेशनली अगर आप देखेंगे तो 4200 करोड़ का कामकाजी मुनाफे के मुकाबले 4400 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी दर्ज किया है। मार्जिन्स भी लाइकवाइज 39.3% से बढ़कर 45.9% पर आई है। हालांकि कंपनी का जो घाटा है वो 4532 करोड़ से जो बढ़कर कंपनी का घाटा अब 7023 करोड़ पर आया है। कंपनी का ARPU 108 का अनुमान था, उसके मुकाबले 107 आया है। फंड रेजिंग पर कंपनी जो है अभी भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ एक्टिवली डिस्कशंस पर है, तो जो एक क्लियर डायरेक्शन की एक्सपेक्टेशंस थी वो अभी तक नहीं आ पाई है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। स्पाइसजेट नंबर्स आप देखिए मिले जुले सेट ऑफ रहे हैं, इनफैक्ट यहां पर कंपनी की आय में 34% की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही सालाना आधार पर कंपनी का जो घाटा है वो कंपेरेटिवली कम होता हुआ दिखा है, 816 करोड़ से घटकर 257 करोड़ का घाटा केवल रह गया है। तो ऑपरेशनली कंपनी सालाना आधार पर बेहतर साइड पर परफॉर्मेंस है, पर आय फ्रंट पर कंपनी की आय जो है करीब 34% गिरती हुई नजर आई है। साथ ही फ्रेश कैपिटल करीब 2,500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिल गई है बोर्ड से।
इनफैक्ट इसके अलावा फीएम इंडस्ट्रीज, ये हमने आपको नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे भी में भी बताया था, गुड नंबर्स हैं और लार्जली इनलाइन आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कंपनी की आय तो करीब 30% बढ़कर 421 करोड़ पर आई है, साथ ही कंपनी की मार्जिन्स भी 12% से 13% रही है और कंपनी का मुनाफा भी 23 करोड़ से बढ़कर लगभग 27 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। लिबर्टी शूज़, यहाँ पर आय करीब 18% गिरी है 162 करोड़ पर कंपनी की जो मार्जिन्स है वो 8% से बढ़कर ऑलमोस्ट 14.2% आई है और कंपनी का मुनाफा भी 1.2 करोड़ से बढ़कर करीब 7 करोड़ पर जा पहुंचा है। बीएफ यूटिलिटीज घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है कंपनी, 25 करोड़ का घाटा था, 18 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज किया है, साथ ही कंपनी की मार्जिन भी 30% से बढ़कर 71% पर आई है। युगल फ्यूल सिस्टम्स, यहाँ पर भी कंपनी को करीब 4.25 करोड़ का घाटा था, उसके मुकाबले 3.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज किया है, साथ ही कंपनी की मार्जिन में भी सुधार है 2% से 6.6%। सद्भाव इंजीनियरिंग, मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी, करीब 1280 करोड़ का मुनाफा था, इस बारी अब करीब 12 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है, साथ ही कंपनी की मार्जिन्स भी 28.6% से घटकर 23.4%। और अंत में सिंभावली सुगर, मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है, मार्जिन्स 8.5% से घटकर 7.4%, हालांकि कंपनी का मुनाफा 16.8% से बढ़कर अब 23.7 करोड़ पर आया है। ओके, तो ढेर सारे नतीजे कल आते हुए दिखे कैश स्पेस के। ऑफिशियली आज कह सकते हैं कि Q4 FY21 के नतीजों का सीजन जो है कल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। छोटे मोटे नंबर्स आते रहेंगे, लेकिन अदरवाइज जो मेजर नंबर्स आने हैं सारे आ चुके हैं। लेकिन कुशल साथी, खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स आज के लिए कौन से इम्पोर्टेंट हैं? बिल्कुल, तो जून महीने में जो ऑटो बिक्री आंकड़े हैं वो आज आते हुए नज़र आएंगे, कल हमने आपको इसका अनुमान भी बताया था, साथ ही हीरो मोटोकॉर्प और मारुति सुजुकी अपनी जो कीमतें हैं वो बढ़ाते हुए दिख सकते हैं, साथ ही एम्फेसिस, यहाँ पर इनका ओपन ऑफर बंद होगा आज, 26% हिस्सेदारी के लिए ये ओपन ऑफर आया था। सागर सीमेंट्स, यहाँ पर भी बोर्ड की बैठक होगी स्टॉक स्प्लिट को लेकर, तो देखना होगा कि वहाँ से किस तरह के डिसीजंस आते हैं। और काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्स डिविडेंड आज ट्रेड करते हुए दिखेंगे, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस, फेडरल बैंक, L&T इन्फोटेक, पेट्रोनेट LNG जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यहाँ पर बोर्ड ने देश के पहले स्टायरीन मोनोमर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है और ये जो प्रोजेक्ट की लागत है करीब करीब 4500 करोड़ की है और 2027 यानी कि FY27 तक ये प्रोजेक्ट कमीशन हो सकता है। मॉयल 1 जुलाई से यानी कि आज से सभी ग्रेड के फेरो फाइंस और केमिकल ग्रेड्स के भाव जो है यहाँ पर 7.5% तक बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही NMDC नागर प्लांट के को फंड करने के लिए कंपनी जो है 5000 करोड़ रुपए जुटाती हुई नज़र आएगी, कुल 21300 करोड़ के खर्च पर ये प्लांट बनता हुआ नज़र आएगा। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के लिए भी खबर है, 2330 करोड़ की इनकम टैक्स डिमांड नोटिस जो है ये इनको मिलती हुई दिखी है। साथ ही दूसरी खबर है इनके लिए कि कंपनी ने 30 जून को 242 करोड़ का डायरेक्ट असाइनमेंट ट्रांजैक्शन पूरा कर लिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड ने करीब 9700 करोड़ रुपए के फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है, इक्विटी कैपिटल के जरिए 3500 करोड़ और बॉन्ड्स के जरिए 6200 करोड़ कंपनी जुटाएगी। इनफैक्ट एक बल्क डील भी है मेरे पास, जिसमें IIFL फाइनेंस शामिल है। एबाकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड ने 2,000,000 शेयरों की खरीदारी की है 240 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने भी करीब सेम प्राइस पर 58,00,000 शेयर खरीदे हैं, पर उसके अगेंस्ट CDC ग्रुप PLC ने ऑलमोस्ट 1.4 करोड़ शेयर्स सेम प्राइस पर बेचे हैं। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स, ट्रिगर्स और साथ ही नतीजे हमें बताने के लिए। तो भरपूर एक्शन के लिए आप तैयार हो जाइए, कई सारी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं जो कि आज के दिन हम देख पाएंगे। लेकिन हमारी खास पेशकश बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा हर रोज ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाते हैं, आइए आज की रणनीति आपको बता दें। डॉक्टर लाल पैथ और दीपक नाइट्रेट, ये दो कंपनियां लेकर आए हूँ। डॉक्टर लाल पैथ अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 120 रुपए के आसपास नीचे है और इस वक्त ऐसा लगता है कि नए सिरे से ये एक तैयारी कर रहा है नए हाई पे जाने की। तो जुलाई का 3300 की कॉल खरीदी जा सकती है, जुलाई की 110 रुपए पे, और उसमें स्टॉप लॉस रखा जाएगा 80 रुपए का, टारगेट इसका 155। इसकी रिवॉर्ड रेशियो अच्छी है इसके अंदर। दीपक नाइट्रेट दूसरा स्टॉक है, उसके अंदर मेरा कॉन्फिडेंस डॉक्टर लाल पैथ से थोड़ा ज्यादा है, तो 1800 की कॉल आप खरीद सकते हैं 81 रुपए पे, स्टॉप लॉस इसमें रखा जाएगा 62 रुपए का, टारगेट इसमें रहेगा 110 रुपए का।
दोनों ही स्टॉक करीब करीब 2.7% बढ़े हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। चलिए तो बिल्कुल डॉक्टर लाल पैथ लैब और दीपक नाइट्राइट शर्मा जी की पसंद। डॉक्टर लाल पैथ लैब 3,300 की कॉल जुलाई कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की राय, 155 के टारगेट्स को मानकर चले, 80 का स्टॉप लॉस। और दीपक नाइट्राइट में कन्विक्शन ज्यादा है, यहां पर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 1,800 की कॉल खरीदने की राय, 110 के टारगेट्स के साथ 62 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। ट्रेडिंग कॉल्स में भी इनफैक्ट दीपक नाइट्राइट पर खरीदारी की राय है। चलिए सारी ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं, शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे। एस्कॉर्ट्स में खरीदारी की राय है, चॉइस ब्रोकिंग का मानना है 1,260 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, 1,198 1,198 का एक स्टॉप लॉस आप जरूर यहां पर लगाइएगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में 2.5% की तेजी के साथ इस स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई थी। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज पर आनंद राठी सिक्योरिटीज बुलिश है, यहां पर इनका मानना है 1,740 तक के टारगेट्स आप देख पाएंगे, 1,550 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। दीपक नाइट्राइट, जैसे मैं कह रही थी, यहां पर ऑप्शंस की दमदार रणनीति में भी दीपक नाइट्राइट और सेंट्रम ब्रोकिंग की पसंदीदा कॉल्स की सूची में भी दीपक नाइट्राइट है। कल के ट्रेडिंग सेशन में 3% के ऊपर तक की तेजी देख चुके हैं हम। आज अगर खरीदारी करके चलते हैं, 1,860 तक जाने का दम है स्टॉक में, 1,775 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। तो ये तीन ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए और तीनों के तीन खरीदारी की तरफ की। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के वीपी रिसर्च हिमांशु गुप्ता आप मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे इक्विटी मार्केट्स पर इंडेक्स पर उनका नजरिया, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन जान लेते हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार की तस्वीर आप आज कैसी देख रहे हैं, इंडेक्स पर क्या लेवल्स आपके हिसाब से अहम होंगे? जी मानसी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बाजार थोड़ा सा ऊपरी लेवल्स पर स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं पिछले कुछ दिनों में, और क्लियरली एफआईआई की तरफ से जो पार्टिसिपेशन है, जो मूड है, वो कोई बड़ी तेजी का फिलहाल अभी दिखता हुआ नहीं आ रहा। कल जिस हिसाब से हम हायर लेवल्स से फिसलते हुए नजर आए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आज की एक्सपायरी भी थोड़ा सा एक रेंज बाउंड जरूर होते हुए नजर आ सकती है, लेकिन 15,800-820 अपसाइड में एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और लोअर साइड में 15,700 और 15,650 मुझे एक सपोर्ट अच्छा दिखता है फिलहाल बाजार के लिए। तो आज जिस तरह के थोड़े से पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज हैं, मुझे लगता है इनिशियल ओपनिंग आवर्स में यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड लिया जा सकता है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट हाफ। 15,780 15,790 अच्छी जोन है सपोर्ट, जो स्पॉट निफ्टी के हिसाब से जहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बनाई जा सकती है, 15,820 के ऊपर के एक स्टॉप लॉस के साथ। और डाउन साइड में मुझे लगता है 15,700-15,680 के लेवल्स पर शॉर्ट को बुक किया जा सकता है और लोअर लेवल से वापस से खरीदारी की जा सकती है। सिमिलरली निफ्टी बैंक, वहां पर हमने देखा कि क्लियरली कल एक शुरुआती तेजी के बाद जिस हिसाब से 35,000 के पुट राइटर्स में अनवाइंडिंग होती हुई नजर आई, उसका दबाव मुझे लगता है कि आज भी यहां पर कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिलेगा। तो 35,100-35,200 वहां पर बिकवाली का जोन होना चाहिए शुरुआती कारोबार के लिए, 35,400 के ऊपर के स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। डाउन साइड में 34,700 और उसके बाद 34,500 तक के लेवल्स मुझे लगता है कि देखने को मिल सकते हैं, जिन लेवल्स पर शॉर्ट में प्रॉफिट बुक कर लोअर लेवल्स पर फिर से इंट्राडे के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि थोड़ा सा फर्स्ट हाफ नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड हो सकता है, लेकिन सेकेंड हाफ में लोअर लेवल से फिर से खरीदारी करके चला जा सकता है। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया की बात है मानसी जी आज के लिए, तो मुझे लगता है कि पावर फाइनेंस कंपनीज में, पावर रिलेटेड स्टॉक्स में कल एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आई थी। कैपिटल गुड सेगमेंट एक अच्छा स्पेस था जहां पर खरीदारी लौटते हुए नजर आई। तो पीएफसी एक ऐसा स्टॉक है जो कि मुझे पसंद है यहां पर आज के लिए, वहां पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 135 रुपए तक के टारगेट्स वहां पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं और 125 रुपए के नीचे का एक इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। जी मानसी, बिल्कुल। हिमांशु जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीएफसी पर खरीदारी की राय, 135 तक के टारगेट, 125 का स्टॉप लॉस। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट्स का हाल समझने के लिए हमने आईएफएल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटीज एंड करेंसी से बातचीत की, अनुज गुप्ता जी से हमने बात की, उनकी कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। गोल्ड में बिकवाली की राय है और साथ ही कच्चे तेल में भी बिकवाली की ही राय अनुज की तरफ से। गोल्ड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 46,900 के लेवल्स पर आपको बेचकर चलना है, 46,500 के टारगेट्स को मानकर चलिए, 47,150 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए घरेलू बाजार में फिलहाल बिकवाली की रणनीति बनती हुई दिख रही है, 5,380 तक के टारगेट्स यहां पर
देखने को मिलेंगे। 5600 का एक स्टॉप लॉस लगाकर क्रूड जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 5520 के लेवल्स पर अगर आपको मिल जाए तो सेल कॉल इनिशिएट कीजिएगा। ये राय अनुज की तरफ से। ये तो हुई कमोडिटी मार्केट्स की बात, लेकिन अब ब्रोकरेज का एक्शन आपको बताते हैं, रुख करते हैं FIR का। ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन लेकर हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, वोडाफोन आइडिया पर काफी सारी रिपोर्ट्स आई हैं, कल नतीजे भी आए और उस पर आप काफी सारे ब्रोकरेज हाउस का व्यू भी आया है। गोल्डमैन सैक्स का ने अपने जो बिकवाली की राय थी वो बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस ₹3 प्रति शेयर का दिया है और जो पुराना टारगेट था उससे ये जो लक्ष्य नया लक्ष्य दिया है वो कम यहाँ पर दिया है। इसके अलावा ट्रेड स्विस की रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और यहाँ पर टारगेट प्राइस ₹750 प्रति शेयर का बरकरार रखा है। जेपी मॉर्गन की भी रिपोर्ट आई है, अंडर वेट की रेटिंग बरकरार रखी है और जो टारगेट प्राइस है वो ₹3 प्रति शेयर का बरकरार रखा है। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन हमें बताने के लिए। तो ये तो हुई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, लेकिन जाते जाते एक बार एशियाई बाजार को देख लेते हैं। एसजेक्स निफ्टी में फिलहाल हम देख रहे हैं 15743 के लेवल्स पर ट्रेड दिख रहा है, हल्की सी बिकवाल यहाँ पर जरूर आती हुई दिखी है। डाउ फ्यूचर्स यहाँ पर आप देखिए 34461 के स्तर पर अभी 62 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हमने देखा ब्रिटेन की शुरुआत में भी करीब 50 अंकों की तेजी थी, तेजी देखिए धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है डाउ फ्यूचर्स की तरफ से। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।